नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीष। अन्ना कांचन खत्म हो चुका है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संसद में उनकी तीनों शर्तों को मान लिया गया है, लेकिन क्या जन लोकपाल बिल जिसे अन्ना ने प्रस्तावित किया था वो पास हो पाएगा, वो कानून में तब्दील हो पाएगा? आपको क्या लगता है डॉक्टर मनीष? बड़ा ही जटिल सवाल आपने मेरे सामने रख दिया। अन्ना का आंदोलन सचमुच खत्म हो गया, जो जन लोकपाल के लिए था उन्होंने अब राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के लिए नया आंदोलन लॉन्च करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है, लेकिन आज इस पे जरा गौर करते हैं कि क्या अन्ना का आंदोलन सचमुच सक्सेसफुल रहा? सक्सेसफुल रहा तो कितना सक्सेसफुल रहा? क्या जन लोकपाल बिल बना? क्या वो तीन सुझाव अब कानून में शामिल हो जाएगा या फिर उसमें कुछ अभी पेच है? इन बातों को कहने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अन्ना का ये जो आंदोलन 13 दिनों तक जो चला, ये सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन इतिहास के पन्ने सुनहरे अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। वो इसलिए कि जब एक समय लोगों को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान की जनता घोटाले, भ्रष्टाचार, काला धन, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सारी समस्याओं के साथ जीने का आदि हो चुका है द होल पॉपुलेशन, और लोगों को लगता था कि भाई ये कब तक चलता रहेगा और देश के युवा, देश के लोग, पढ़े लिखे लोग, सोचने समझने वाले लोग, अपने अधिकारों को जानने वाले लोग, ये क्या कभी उठ पाएंगे? राजनीतिक दलों ने कभी इन्हें जगाने की कोशिश नहीं की। अन्ना का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने आज के दौर में इस देश के ऊपर सबसे बड़ा उपकार किया है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि इन्होंने लोगों को अपने घरों से, युवाओं को अपने क्लासरूम्स और अपनी नौकरी, और जो बेरोजगार थे उनको उस जो उदासीनता उनके मन में थी उसको उन्होंने उठाया और सड़कों पर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसके लिए अन्ना हजारे को की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन अब कुछ टेक्निकल बातें कि क्या अन्ना अपने आंदोलन में सफल हो पाए, नहीं सफल हो पाए, और एक भ्रम जो फैल चुका है कि ये तीनों शर्तें जो है सरकार ने मान ली है, नहीं मानी है। अगर मैं इन राजनीतिक दलों को जरा सा भी जानता हूं, इनके चरित्र को, इनके चेहरे को, इनके चाल चलन को, और इनके अंदर जो इनहेरेंट विश्वासघात करने का जो टेंडेंसी है, जो पूरा जो उनकी जो आदत है, अगर उसको मैं जानता हूं तो मैं शर्तियां कह सकता हूं कि आंदोलन के पहले जन लोकपाल बिल की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है। अब देखिए कैसे आंदोलन अन्ना ने शुरू किया। अन्ना ने किसने शुरू किया? उन्होंने कहा, पीछे लिखा हुआ भी रहता था, कि जन लोकपाल बिल को कानून बनाओ, उसको पार्लियामेंट में पास करो। 13 दिन के बाद क्या हुआ? वो जन लोकपाल बिल के बारे में अब कोई नहीं बात कर रहा, वो जन लोकपाल की जगह 3 डिमांड्स में सीमित हो गया। इतने हजारों करोड़ों लोग इतने शहरों में आंदोलन करते रहे, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, लेकिन राजनीतिक दलों की चालबाजी को देखिए,
निगोशिएशंस कर करके, वो ड्रामा करके, कभी अरेस्ट करके, कभी किसी को बिठा करके, किसी को बिठा करके, पूरे मूवमेंट को सबोटाज करने के लिए अपने एजेंट्स को घुसा करके इन लोगों ने इस पूरे जन लोकपाल बिल को ये तीन मांगों में उन्होंने सीमित कर दिया। मतलब इस पूरे आंदोलन का उद्देश्य भ्रमित कर दिया, डाइवर्ट हो गया, है ना? तो कहां जन लोकपाल बिल का पूरा मसौदा और कहां तीन मांगे। अब ये तीन मांगों के ऊपर क्या होगा, प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, उन तीन डिमांड्स में नहीं है। लेकिन ये बात फिर क्यों आ रही है कि हर अखबार में, मीडिया में, हम जिधर भी देखें उधर लोग यही बात कर रहे हैं कि उनकी तीन शर्तों को मान लिया गया है? ये भ्रम है, गलती है, सच ना बोलने की कमी है। और सच्चाई क्या है? मेरे दो तीन सवाल हैं, इस सवाल का अगर कोई जवाब अगर आप ढूंढेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के किस कानून के तहत हुई, और उनकी बातों को कानून में तब्दील कर दिया जाए, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? ₹184 में हुआ, ₹193 में हुआ, कौन से कानून के तहत ये डिबेट या डिस्कशन हुआ? वोटिंग नहीं हुई, लोगों ने मेज थपथपाया। सेंस ऑफ द हाउस, तो सेंस ऑफ द हाउस के लिए जो है वो अगर जो प्रस्ताव मूव किया जाता है वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उस प्रस्ताव को मूव करता है टू गेट द सेंस ऑफ द हाउस। कोई बाध्यता नहीं होती है इसमें। तो क्या मीरा कुमार ने इस प्रस्ताव को मूव किया? प्रस्ताव जो है उन्होंने रखा, प्रणब मुखर्जी ने, किस कानून के तहत रखा? वोटिंग क्यों नहीं हुई? बीजेपी ने शुरू में कहा कि बिना वोटिंग के हम नहीं मानेंगे, वो बैकट्रैक क्यों कर गए? हंसी खुशी वहां पे बातचीत क्यों हो रही थी? उस डिबेट पे भी मैं आऊंगा कि उस दिन क्या ड्रामा हुआ उस पार्लियामेंट के अंदर। तो आप देखिए, आपने मेज थपथपा करके इसे क्या किया, पास किया? नहीं। जो रेजोल्यूशन, जो बात जो इन लोगों ने कहा कि जो दिन भर की प्रोसीडिंग्स हैं वो सब स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जाए, मतलब जिन जिन लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या लोगों की राय रही, अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग नेताओं की, वो सब जो है स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा। नाउ स्टैंडिंग कमेटी विल लुक इनटू इट। आंदोलन से पहले क्या पोजीशन था? आंदोलन से पहले ये पोजीशन था कि जन लोकपाल बिल ही स्टैंडिंग कमेटी के पास था। हाँ। एक सांसद साहब ने उसे स्टैंडिंग कमेटी के सामने वो रख चुके हैं कि भाई ये हमारा सुझाव है, इसको लागू कीजिए। जन लोकपाल बिल का जो पूरा ड्राफ्ट है स्टैंडिंग कमेटी के सामने अन्ना हजारे भी जा चुके हैं, वो पहले भी कह चुके हैं, उनकी बात दर्ज हो गई है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो डिलिब्रेशन होंगे, डिस्कशन होंगे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो उन सभी सुझावों में से एक सुझाव, वो दिन भर में जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हुआ वो भी आएगा। नाउ इट इज द स्टैंडिंग कमिटी हु इज गोइंग टू डिसाइड वेदर दीज थ्री सजेशंस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल और नॉट। तो ये स्थिति तो पहले भी थी, 13 दिन से पहले भी थी, 13 दिन के बाद भी है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास वो सुझाव हैं जिन सुझावों को लेकर अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के बाद वो भी सुझाव वही हैं जो आंदोलन से पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास था। सो देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा, अब स्टैंडिंग कमेटी में कौन है?
लालू यादव जी हैं, अमर सिंह हैं। लालू यादव ने अपने भाषण में कह दिया कि आने दो इन सबको, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर देखते हैं कौन क्या पास कराता है। तो ये पोजीशन है, लेकिन आंसन अन्ना ये इन लोगों ने एक सक्सेसफुल आंदोलन इस देश में किया। सरकार की चेष्टा बस यही थी, उनका पूरा एफर्ट इसी पे था कि किसी तरीके से ये अनशन खत्म हो जाए। लोग यूफोरिया में हैं, अखबारों में जैसा आप कह रहे हैं कि जुलूस और ये विक्ट्री जुलूस, दिवाली मनाई जा रही है, कुछ हो रहे हैं लोग। तो सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आ रहा कभी लोगों को खुश होने दो, दीज पीपल मस्ट बी लाफिंग इन देयर ड्रॉइंग रूम्स, कि मीडिया वालों को और इन लोगों को जो हंसने खेलने दो, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाली है 15 दिन के अंदर में, वक्त लगेगा। जब इस आंदोलन के जो धूल है वो धीरे धीरे वो डस्ट जो है वो सेटल डाउन करेंगे, तब देखिएगा सरकार अपना सही चेहरा लेकर के आएगी। तो भगवान न करे ऐसा हो, अगर सरकार और पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में जरा सा भी लोकमत, पब्लिक ओपिनियन को लेकर जरा सा भी अगर उनके प्रति कोई आदर, सत्कार, सम्मान है, अगर रिगार्ड करती है, डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करती है कि डेमोक्रेसी में लोगों की जो भावना है वो सर्वोपरि है, अगर उसको रिस्पेक्ट करती है तो ये काम नहीं करे जो काम जैसा मैं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि उसी में देश की भलाई है। क्योंकि इन लोगों ने एक आदमी का बयान नहीं आया है, एक सरकारी मंत्री ने यह नहीं कहा है कि ये तीनों सुझाव जो है सरकारी लोकपाल बिल में जो है हम उसको शामिल करेंगे। नॉट अ सिंगल पर्सन हैज सेड दिस, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर, नॉट इवन राहुल गांधी। इसलिए जो अखबार, जो टेलीविजन, जो आप बात कह रही हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है इनमें, इतने बेवकूफ नहीं है। जब हम लोग जैसे छोटे मोटे लोगों को समझ में बातें आ जाती हैं कि भाई कोई लॉ मिनिस्टर ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि तीनों सजेशन जो है कानून बनाएंगे, ये मेरी, ये हमारा जो है कमिटमेंट है, कोई दल साथ दे या ना दे, सरकार गिर जाए, लेकिन इन तीनों चीजों को, लोगों की जन भावनाओं को हम अपने कानून में शामिल करेंगे। नॉट सेइंग ऑल दिस थिंग्स, प्रधानमंत्री चुप है, राहुल गांधी एक दिन सुगुफा छोड़ दिए, देश के नाम संदेश देकर के फिर गायब हो गए, नोबडी इज टॉकिंग दिस। तो इसलिए राजनीतिज्ञों के चाल, चरित्र, चेहरे, बेसिकली वो अग्निपथ फिल्म का एक डायलॉग है कि टेलीफोन पे जो है आदमी जो बात करता है तो आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। यही पॉलिटिकल पार्टीज का जो है, इनको समझना है तो इनका जो है चाल, चरित्र और चेहरा ऐसे ही पकड़ना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब यही सब करना था तो उस दिन पार्लियामेंट में क्या हुआ? तो पार्लियामेंट में सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट पे हमला है, कोई बाहर का आदमी हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई बाहर का आदमी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई बाहर का आदमी हमें किस तरह के कानून बनाने हैं लोकसभा के विजडम पे सवाल नहीं खड़े कर सकता, तो हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई लालू यादव जी ने। लालू यादव जी
ने भी निभाई, शरद यादव जी ने भी निभाई, कांग्रेस की तरफ से भी लोगों ने निभाया, बीजेपी थोड़ी स्मार्टली काम कर रही थी, हैं सब एक, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्होंने आपस में वो जो कहते हैं रस्सा कस्सी, एक होता है कि जो रियल सेंस में बॉक्सिंग लड़ते हैं जो माइक टाइसन वगैरह लड़ता है, और एक जो आप WWF वगैरह देखते हैं जिसमें फर्जी बॉक्सिंग और कुश्ती होती है, जो कहते हैं नूरा कुश्ती, शैडो बॉक्सिंग। तो शैडो बॉक्सिंग चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर में, नकली मतभेद, नकली गुस्सा, नकली आरोप। और यह बताने की कोशिश की जा रहा, आप देखिए शरद यादव किस तरह से डांट रहे थे कांग्रेस के यूथ लीडर्स को, हालांकि यूथ नहीं है वो, ये लोग यूथ लीडर्स को, भाई तुम क्यों जाते हो टेलीविजन चैनलों में गाली सुनने के लिए, मत जाया करो, मीडिया को अवॉइड क्या करो, क्योंकि आजकल मीडिया लोग, मीडिया वाले जो है, इन लोगों ने फैशन बना लिया है नेताओं को गाली देने का। मीडिया वालों ने नहीं बनाया, आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते, जो सड़क पर चल रहे लोग हैं उनसे बातें नहीं करते, लोगों की समस्याओं से लोकसभा जो है अवगत नहीं है। हमारे नेता, हमारे मंत्री महंगाई की वजह से किस तरह से लोग मर मर के जी रहे हैं और जी जी कर मर रहे हैं, वो इन्हें पता नहीं है। युवाओं को, भविष्य को लेकर उनकी चिंता नहीं है। तो ये पूरा जो मसला जो है, उस दिन वैसा ही चल रहा था कि भाई जिस तरह से घर में बड़े लोग कभी नाराज होते हैं तो सारे घर के जो ज्वाइंट फैमिली में, गांव में पहले हुआ करता था कि सारे नए नए लड़के, जितने जो लड़के हैं, बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो दादाजी, चाचा जी, चचेरे दादाजी सब लोग मिलजुल करके जो है वो डांट लगा देते कि तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को ऐसे करना चाहिए। तो देवर गिविंग ट्रेनिंग टू द यूथ ब्रिगेड। तो ये पूरा खुशनुमा माहौल में, और कुछ लोगों के मुँह से निकल भी गया कि बहुत अच्छा लग रहा है आज कि पार्लियामेंट के अंदर में हर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ खड़ी है, क्योंकि लालू यादव को जी की बयानों को देखिए। ये संसद की बात हुई, नेताओं की बात हुई, लेकिन अन्ना ने अनशन तोड़ने के बाद जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी आधी जीत है, किस तरफ उनका इशारा था? उनका इशारा यही था, आधी जीत का मतलब उन्हें भी लग रहा है ये बात कि आंदोलन का उद्देश्य नहीं, वो बहुत मंझे हुए आंदोलनकारी हैं अन्ना जी, वो सरकार के अधिकारियों के चरित्र को जानते हैं, अंडर प्रेशर लोगों का बहुत सारे, इतने बड़े आंदोलन को कंडक्ट करने में बहुत सारे मुश्किलें होती हैं, उसके व्यवस्था को लेकर के, उसके इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये भी जो है 5-6 दिन के बाद वो किसी भी आंदोलन पर प्रेशर पड़ने लगता है, कंटिन्यू करना आसान नहीं होता है, इतना जो टेलीविज़न में आप लोग देख लेती हैं कि ये आंदोलन चल रहा है, इट इज़ नॉट सो सिंपल, बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, और लोगों का धीरे धीरे एनर्जी लेवल भी डाउन होने लगता है, फिर ये भी लगता है कि भाई कि अभी तो हम आंदोलन को इस पीक पे लेके चले गए, अब ज़्यादा खींचें जन समर्थन, क्योंकि लोग इतने दिनों तक आप एक आंदोलन नहीं लग सकते, लोगों को अपना काम धंधा है, स्कूल कॉलेज हैं, एग्ज़ाम्स हैं, नौकरियाँ हैं, तो वो एक डर रहता है कि कहीं सपोर्ट बेस जो है घटने ना लग जाए, बहुत सारी चीजें स्ट्रेटजी के तहत जो है उसको लिया जाता है। ही हैज डन नो रॉन्ग, अन्ना जी को तो सैल्यूट करना चाहिए कि अन्ना जी जो है उन्होंने इस तरह से किया, लेकिन आप देखिए सेबोटाज करने का जो तरीका, अग्निवेश, एक महीना पहले मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में कहा था कि सब सस्पिशियस लोग जो है अन्ना के साथ खड़े हैं, वो उजागर हो गया, पता नहीं और कौन कितने लोग घुसे हुए हैं मूवमेंट में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है देश की जनता की भावना, उनका अधिकार। अन्ना हजारे ने दो बात कही, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अधूरी है, ये जीत जो है अधूरी है, जीत अधूरी से उनका मतलब ये था कि देर आर स्कोप, कुछ रह गया है इसके अंदर, जहां सरकार
कुछ उल्टा पुल्टा कर सकती है, अपने वादों से मुकर सकती है। एक, और ये लड़ाई अधूरी है। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार के लिए वो एक नया आंदोलन जो जड़ है वो ये कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अगला आंदोलन जो वो करने वाले हैं वो राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के ऊपर हम एक स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं चौथी दुनिया में, जिसके तहत न सिर्फ राइट टू रिकॉल के बारे में हम आपसे बात करेंगे, राइट टू रिजेक्ट के बारे में बात करेंगे, दुनिया में कहाँ कहाँ है ये पूरी जानकारी चौथी दुनिया में, और इस डिबेट को कि क्या देश की जनता के पास डेमोक्रेसी में इस तरह के अधिकार होने चाहिए या नहीं, इस पे हम एक नया सीरीज बहुत जो एक्सपर्ट्स के साथ हम चौथी दुनिया टीवी पे हम आपको लेकर के आएंगे। तो आपने ये बताया कि अन्ना का आंदोलन चाहे पॉलिटिकल उद्देश्य में पूरा हो पाया हो या नहीं, लेकिन इसने लोगों को जगाने का काम बखूबी किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। आप देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। नमस्कार।